ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। तो दोस्तों यहाँ पर हर साल पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है और यह हर साल मनाया जाता है। तो इसी के बारे में अभी हम लोग जानकारी को देखेंगे। लोगों को अपने अधिकारों के महत्व और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस तो मनाया जाता है पूरे विश्व में ही, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों को जो है अपना कौन कौन सा अधिकार है, उस अधिकार का जो महत्व क्या क्या है अपने जीवन में, उनको समझाने के लिए और साथ ही साथ में उनका जो भी राइट्स है, जो भी अधिकार है, उसके प्रति लोगों को भी अवेयरनेस करना है, यानी कि जागरूक करना है। तो इसी उद्देश्य के साथ में यह हर साल मनाया जाता है यह दिवस को, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी को देखेंगे और यहाँ पर जो है थीम, जो कि हर साल कुछ ना कुछ थीम से मनाया जाता है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामों के लिए, तो यहाँ पर जो है थीम क्या है वो भी मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी को। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि अधिकारों का जो महत्व है और अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। तो कौन कौन सा अधिकार है जो कि मनुष्यों को जानना चाहिए, मानवों को जानना चाहिए, तो वह है स्वास्थ्य। तो उनका अपना जो खुद का स्वास्थ्य है उसको किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं ताकि जीवन को सरलतापूर्वक अधिक दिनों तक जिया जा सके, उसका अपना एक अधिकार है। तो उस स्वास्थ्य के प्रति अधिकार होना चाहिए। साथ साथ आर्थिक, यानी कि इकोनॉमिक रूप से वह किस प्रकार से अपने आप को मजबूत बना सके, तो यह भी उसका एक अपना अधिकार है। तो इसके बारे में भी समझना है और जागरूक करना है। साथ साथ में सोशल रूप से, यानी कि सामाजिक रूप से वह किस प्रकार से अपने अधिकार जो हैं वह समाज में, इस चीज़ को भी समझना है, देखना है, उसका भी जो महत्व है वो भी। और साथ साथ में अपना जो है शिक्षा का अधिकार, कि वह अशिक्षित ना रहे, मतलब सबको शिक्षा होना है, शिक्षा जानकारी है और शिक्षा का जो अधिकार है कि हाँ शिक्षित होने के बाद में वह अपने जीवन को और बेहतर बना सके, तो इसलिए शिक्षा का अधिकार जो है उसको भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। साथ साथ अपना जो है मौलिक प्राकृतिक अधिकार, जो मौलिक रूप से प्राकृतिक अधिकार है या जो पृथ्वी में है, तो यहाँ पे सभी को प्राकृतिक अधिकार का उपयोग करने का भी होता है। तो यहाँ पे जो है मौलिक प्राकृतिक अधिकार जो है उसके बारे में भी समझना जानना है और लोगों को भी जागरूक करना है। तो ये अधिकारों के समझना है और महत्व के बारे में जानकारी लेना है, तो इसी हिसाब से यह मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये जितने भी अधिकार हैं उन सारे अधिकारों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे और छोटी जानकारी को देखते हैं। तो मानवाधिकार दिवस का जो स्थापना हुआ था वह 1948 में हुआ था, और यह कहाँ हुआ था, तो यह पेरिस में हुआ था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1948 में इसका इस्टेब्लिश किया गया है और यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका स्थापना हुआ था। तो ये 1948 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों थीम के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले बात करते हैं 2023 के बारे में, जो थीम है यानी कि इस साल का जो थीम है वह है फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो यह है इंग्लिश में थीम, इसी को हिंदी में कहेंगे सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो ये है इस वर्ष का थीम जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, हिंदी में कहेंगे सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। यह है 2023 का थीम, यानी 2023 का थीम। अब बात करते हैं पिछले वर्ष का थीम क्या था। तो पिछले वर्ष का थीम यानी कि 2022 का जो थीम था वह भी यहाँ पर देखते हैं, वह था डिग्निटी फ्रीडम जस्टिस फॉर ऑल। तो यह है पिछले वर्ष का थीम, डिग्निटी फ्रीडम जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। तो ये है जो आप लोगों को ध्यान रखना है 2022 का, लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है ये 2023 वाला, यानी कि 2023 का जो है थीम। अब बात कर लेते हैं भारत में मानवाधिकार के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विधिक संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह देश में मानवाधिकार का प्रहरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक संस्था है और इसका स्थापना जो है हुआ 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और यह देश में मानवाधिकार का प्रहरी है, मतलब है कि देश में जो भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है या हनन होता है किसी का भी मानवाधिकार, तो उसी को लेकर के यह देखता है, समझता है, फिर आगे कार्रवाई करता है। तो यह एक पुलिस की तरह कार्य करता है, प्रहरी है, मतलब एक रक्षक की तरह भी कार्य करता है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है, ये अभी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष के बारे में,
तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो करंट में प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं वह न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो ये नाम को भी आप लोग याद रखेंगे, और ये 8वें नंबर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों यह था वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के बारे में जानकारी, जो कि हर साल पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और साथ साथ जो थीम है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो वो आप लोग याद रखेंगे। देखिए एक बार फिर से जो थीम है वह था फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए स्वतंत्रता समानता और न्याय, यह था थीम जो कि 2023 का है, जो कि मैंने बता दिया।